ईरान के करमनशाह सुरक्षा बलों की बर्बरता सीधे दिखाइए विजुअल्स के साथ। प्रदर्शनकारियों के घरों पर फायरिंग करते दिखे, ओपन में फायरिंग कर रहे हैं विजुअल्स के साथ। एंटी हिजाब प्रोटेस्ट के दौरान प्रोटेस्टर्स पर जुल्म, ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से बंदूकें निकाल के गोलियां चला रहे हैं। फुल फ्रेम पे राहुल शॉट दिखाइए, ये ईरान की खबर है। ये तस्वीर है आपके सामने ईरान में। राहुल इसको फिर से प्ले ऑन करिए। ईरान में करमनशाह पर किस तरीके से प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चल रही है, ये देखिए आप विजुअल देखिएगा आप। ये देखिए गाड़ियों से निकलते हैं, ये देखिए गाड़ियों से निकल के फायरिंग कर रहे हैं, चुन चुन के मारूंगा ऐसा टाइप। ईरान को लेकर एक और बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ईरान के मसद शहर में प्रदर्शनकारी युवती से बलात्कार की घटना, अधिकारियों पर युवती को अगवा कर रेप का आरोप लगा है। सीधा आइए बड़ी खबर, ईरान की अहवाज यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन विजुअल्स के साथ। सब करिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ईरान में हिंसक हुआ एंटी हिजाब प्रोटेस्ट, दिखाइए जरा विजुअल्स के साथ। सुरक्षा बलों पर पथराव करते दिखे प्रदर्शनकारी, ये देखिए आप प्रदर्शनकारियों ने कई जगह लगाई आग। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए, ईरान की मसद आजाद यूनिवर्सिटी में जबरदस्त प्रदर्शन। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, सिक्योरिटी फोर्सेस ने प्रदर्शनकारी छात्रों को खदेड़ा। यूनिवर्सिटी में चारों तरफ अफरा तफरी का हंगामा और हंगामा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए, ईरान की आजाद यूनिवर्सिटी के छात्रों को बंधक बनाया गया, दिखाइए जरा सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई छात्रों को बंधक बनाया। एम्बियंस अप करिए, ये देखिए तस्वीरें आप, छात्रों को जबरन अगवा करके सुरक्षाकर्मी लेके जा रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए, ईरान के आबादान शहर में जबरदस्त प्रोटेस्ट विजुअल दिखाइए राहुल। हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे, ये देखिए आप महसा अमीनी के समर्थन में जमकर हुई नारेबाजी। राहुल तीनों ब्रेकिंग और तीनों शॉट दिखाइए, माइनस इससे पहले वाली उसको छोड़ के तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट्स के साथ सीधे मैं अशोक सर के पास चलूंगा। अशोक सर, ईरान की सत्ता के ऊपर यह सबसे बड़ा संकट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बर्बरता जो है वो खत्म नहीं हो रही है, वो एक नए नए स्केल्स नए नए आयाम ले रही है वहां पर। अब उनके पुलिस चीफ ने कहा है कि हमारी ये लास्ट वार्निंग है आपको, इसको बंद करिए वरना वील गो ऑल आउट। और प्रॉब्लम ये है कि यूएन या ह्यूमन राइट काउंसिल कोई कुछ नहीं कर सकता है। व्हाट इज द रोड मैप अहेड सर? देखिए मेरे ख्याल से अभी निशान कुल जिसे कहते हैं ना आर पार की लड़ाई है, क्योंकि वो जो है प्रोटेस्टर्स हैं जो एंटी हिजाब प्रोटेस्ट आप बता रहे हैं, और आपने सभी शहरों के वहाँ पर दिखाया क्या डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है, करमनशाह में, मशहद में, अहवाज में, सब जगह आपने दिखा, शिराज में भी कल वहाँ पर एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, और उसके बाद ये वार्निंग दी गई है जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं उनके। तो मैं समझता हूँ ये ऐसे हालात पर पहुँच गया है अब वहाँ पर जो सिचुएशन है ये बिल्कुल ही आर पार की लड़ाई हो गई है, और वहाँ पर जो सत्ता है जो
ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, इनके पास बंदूकें हैं, इनके पास सब सोफिस्टिकेटेड एमिनेशन है, इक्विपमेंट है, और वो उनके ऊपर जैसे आपने दिखाया है आज उनके ऊपर वो गोलियां चला रहे हैं। परंतु ये जो यंगस्टर्स हैं, चाहे वो युवा हैं युवतियां हैं, ये भी मैदान छोड़ने के लिए राजी नहीं है। तो आगे जैसे हम देखते हैं बिल्कुल ही अनिश्चितता है, बिल्कुल ही अनसर्टनिटी है, टोटल इंस्टेबिलिटी है।